हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिक मैथ सीरीज का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसका नाम है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। पिछले क्लास में वैसे हम लोग कर चुके हैं स्क्वायर के बारे में, उसके जितना भी शॉर्टकट ट्रिक्स था, जितना भी स्क्वायर निकालने का जो ट्रिक था, वो सारे हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाके आप जरूर देखें, एक बार जरूर देखें, उसके बाद आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि आज का जो क्लास होगा वो कनेक्टेड होगा, वो कहीं ना कहीं लिंक होगा पिछले क्लास से। इसलिए पहले वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें और समझ में आएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, बहुत सारी विधि बताएंगे आप लोगों को, और इसमें विधि में ये होगा कि जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास में आप लोग लास्ट तक बने रहें और देखें कि किस तरह से मैथ्स में अगर बहुत ही बेसिक आपका कमज़ोर है, वाकई में आपका बेसिक को मजबूत करना है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हो, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। चलो बढ़ते हैं आज क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल। ठीक है, वैसे बहुत नीचे लिखा गया, वैसे आज का हमारा टॉपिक होगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये टॉपिक आज हम लोग कर लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या, वर्गमूल क्या होता है। देखो, वर्ग में क्या होता है कि किसी संख्या को उसी संख्या से आपस में गुणा करते हैं, जो आउटपुट आता है, जो उसका प्रतिफल आता है, गुणनफल आता है, उसी को हम वर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वर्गमूल निकालना है। अब जो संख्या वर्ग है, जिसको वर्ग करके प्राप्त किया गया, जिसको आपस में गुणा करके प्राप्त किया गया एक वर्ग संख्या, तो वाकई में वो वर्ग संख्या जिसको हमने प्राप्त किया है, किसी संख्या को आपस में गुणा करके, उसी संख्या को हम वर्ग संख्या का वर्गमूल कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग क्या है, 81। इट मींस कि 81 किसका वर्ग है, 9 का, तो 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 16, उसका वर्गमूल क्या होगा, 4। 9, जिसका वर्गमूल क्या होगा, 3। समझ में आया, वर्ग संख्या का वर्गमूल होता है। कुछ संख्या जिसका वर्गमूल ले लेते हैं ना, वर्गमूल का चिन्ह जो होता है, पहले वो देखो, वर्ग स्क्वायर में क्या होता है कि पावर में 2 लगा दो, स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। लेकिन वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, वर्गमूल का जो संकेत होता है, वो ये ऐसे होगा, इसको रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। इसके अंदर x रखेंगे तो x का वर्गमूल होगा, 2 तो 2 का वर्गमूल होगा, इस तरह से उसको संकेत करते हैं। एग्जाम्पल में रूट 1, स्क्वायर रूट 1 मतलब 1 का वर्गमूल, 2 2 का वर्गमूल, 3 3 का वर्गमूल, 4 4 का वर्गमूल, इस तरह से वर्गमूल निकालते हैं। तो 1 का वर्गमूल आपका 1 होगा, 4 का वर्गमूल आपका 2 होगा, 2 का वर्गमूल 1.414, एंड सो ऑन। और भी संख्या होगी, रिपीटेड अंक हो सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, आगे रीअकरिंग भी नहीं हो सकता है, मतलब वो क्या होगा कि आगे जाता रहेगा, आगे जाते रहेगा। रूट 31.732, इसकी वैल्यू और आगे बढ़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, इसलिए इसका वर्गमूल ये हुआ, इसमें आया, इसका वर्गमूल एक पूर्णांक हो गया। उसी प्रकार अगर हम रूट 5 का निकालेंगे तो इसका भी वर्गमूल आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग आएगा, मतलब अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार रूट 6 का आएगा ऐसे ही, रूट 7 का भी ऐसे ही आएगा, रूट 8 का भी ऐसे ही आएगा, फाइनली रूट 9 का आएगा आपका 3। मतलब यहाँ देख सकते हो कि 1 का वर्गमूल 1 आया, 4 का 2, 9 का वर्गमूल 3 आया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यह संख्या पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक आया है, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसीलिए उसका वर्गमूल ऐसा आया आपको। जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स कि वो इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बेसिकली हम यह बता देते हैं। अब समझो, अगर हम रूट 4 को लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होता है। वैसे वर्गमूल निकालने का जो तरीका है, वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, वो हम बताएंगे आपको। रूट 2, रूट 3 सबका आप वर्गमूल निकाल सकते हो, बहुत ईजिली निकाल सकते हो, वो सारी बात बताई जाएगी। रूट 4 का वर्गमूल निकालना है तो रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 2 का स्क्वायर। मतलब ये समझ में आया कि इस रूट की वैल्यू, अगर हम इसको रूट एक्स लिखते हैं तो इट मीन्स कि एक्स का पावर हो जाएगा 1/2,
एक्स तो बेस बन जाएगा, रूट के स्थान पे क्या आया 1/2 पावर में, इस रूट का स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ पावर में 1/2। ठीक है, तो रूट चार को लिखेंगे रूट टू का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर का मतलब है कि ये दो का पावर दो, रूट को क्या लिखा जाएगा पावर में 1/2, पावर में 1/2। बताना ये चाह रहा हूं कि चार का वर्गमूल दो कैसे आएगा, वो बताना चाह रहा हूं। चार दो का स्क्वायर होता है, दो का वर्ग होता है, दो का स्क्वायर रूट के बदले में 1/2 पावर पे लिखा गया। अब क्या होगा कि ये पावर में आपस में गुना होगा, भिन्न गुना होगा। ठीक है, पावर में दो भी है, 1/2 आपस में गुना होगा, कैंसिल आउट होगा, दो का पावर 1, तो क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा। तो आ तो गया चार का वर्गमूल आ गया 2, इस तरह से आता है। हम चार के वर्गमूल को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस दो का पावर दो, क्योंकि माइनस का पावर भी क्या होता है प्लस, मतलब ये हुआ -2 का पावर 2 और उसका रूट का मतलब क्या हुआ 1/2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -2 का पावर 1 और -2 का पावर 1 क्या हो गया -2। मतलब ये समझ में आया कि किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आती है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक भी आएगा और ऋणात्मक पूर्णांक भी आएगा। फिलहाल मैंने क्या बताया है कि इसका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, नहीं बल्कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों वैल्यू आती है। तो रूट चार को लिखेंगे, प्लस 2 भी आएगा रूट चार का वर्गमूल और -2 भी आएगा, इसलिए प्लस -2 करते हैं। इसको पॉजिटिव वैल्यू बनाई जाती है मोड लगाकर, है ना, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो इसको पॉजिटिव वैल्यू बनाया जाएगा माइनस में। उसी प्रकार रूट एक का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 1 होगा, मतलब 1 भी होगा माइनस भी होगा। 9 का निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 होगा, 16 का निकालेंगे तो प्लस माइनस 4 होगा। जो संख्या पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल एक पूर्णांक में धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आएगा। ठीक है, रूट्स 25 करेंगे तो इसका वर्गमूल भी है क्या आएगा आपका प्लस माइनस में 5। रूट 36 करेंगे उसी प्रकार पूर्ण वर्ग है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। रूट 49 प्लस माइनस क्या होगी आपका बताओ, रूट 49 प्लस माइनस में क्या 7 होगा। रूट 64 प्लस माइनस में 8 होगा। रूट 81 प्लस माइनस में 9 होगा। रूट 100 प्लस माइनस में क्या होगा आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से हम वर्गमूल निकालते हैं, जनरली हम लोग प्लस वैल्यू लेते हैं माइनस को छोड़कर चल रहे हैं, लेकिन याद रखना कि प्लस वर्गमूल किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल केवल प्लस में नहीं आएगा, माइनस में भी आएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल, केवल हम पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में आएगा, लेकिन जो वर्ग पूर्ण नहीं है उसका वर्गमूल केवल और केवल प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है। चलो हम कम से कम आपको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कम से कम 1 से लेके 25 वर्ग संख्या का वर्गमूल, जिस संख्या को हमने वर्ग करके प्राप्त किया है, मतलब कह सकते हैं वर्ग करके प्राप्त किया, वर्ग पूर्ण वर्ग प्राप्त किया है, अब उसको उल्टा करना है ना, वापस करना है, तो वो आपका वर्गमूल प्राप्त होगा। पूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल निकालना आपको, ठीक है, 1 जिसका वर्गमूल 1 आएगा, प्लस माइनस 1 दोनों आएगा, उसको हम रूट में भी लिख सकते हैं रूट 1। 4 इसका होगा आपका, तो चलो रूट लगा देते हैं, रूट 9। 3 रूट 16। 4 रूट 25। 5 रूट 36। 6 अभी केवल प्लस वैल्यू लेते हैं, है ना, रूट 49। 7 रूट 64। 8 रूट 81। 9 रूट 100। 10 रूट 121। 121 का वर्गमूल 11। 144 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 12। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। उसके बाद 14 आएगा, तो 14 का वर्ग क्या होता है 196। इसका मतलब है कि 196 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका, 196 का वर्गमूल 14। 225 का वर्गमूल क्या होता है,
पंद्रह का वर्ग 225, तो 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15। 16 पूर्ण वर्ग, 16 का वर्ग क्या होगा 256, तो 256 का वर्गमूल क्या होगा 16। उसके बाद 289 का वर्गमूल हो जाएगा 17। 324 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 18। 361 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 19। 400 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 20। 441 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 21। इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, है ना। फिर 484 का वर्गमूल हो जाएगा आपका कितना 22। फिर 529 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 23। 576 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 24। उसके बाद हो जाएगा आपको 625 का वर्गमूल 25। इस तरह से बहुत सारी संख्या जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, है ना। फिर 676 का वर्गमूल हो जाएगा आपको कितना 26। 27 का क्या होगा, तो 27 का वर्ग क्या होता है पहले बताना है। 27 का स्क्वायर का जो हम वर्गमूल निकालते हैं वही हो जाएगा 27, है ना। जो पूर्ण वर्ग होगा इसका वही, उसका वर्गमूल निकालेंगे 27 आएगा। 729 होता है शायद, 729 होगा। हाँ, तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक वर्गमूल याद रखना है, ठीक है। तो 1 से लेकर कम से कम आपको 30 तक के जो पूर्ण वर्ग है उसका वर्गमूल आपको याद रखना है। 1 से लेकर 30 के लिए जो वर्गमूल आता है 30, 1 से लेकर 30 तक, उसको याद रखना है। चलो अब हम लोग कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना, है ना। किस तरह से अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालता है, जो संख्या पूर्ण वर्ग होगा उसका एक वर्गमूल तो आएगा ही, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा उसका वर्गमूल भी रूट के अंदर में ही डालेंगे हम, है ना। उसको पॉइंट में नहीं लाना है, जैसे रूट 2 आ गया, रूट 3 आ गया, रूट 5 आ गया, रूट 6 आ गया, ये सब का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या आएगा, ना कि एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, तो उसका भी वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। उसके बाद फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो निकाल चुके, निकालेंगे साथ साथ उसके बाद ये सीखेंगे हम लोग कि लंबी प्रक्रिया द्वारा, अभाज्य गुणनखंड छोड़कर लंबी प्रक्रिया द्वारा जो वर्गमूल निकालता है उसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। वो क्या तरीका होगा वो भी सीखेंगे आज क्लास में। तो हमारा टॉपिक क्या होगा फिर से दोबारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। अभाज्य संख्या जानते हो, अभाज्य गुणनखंड भी मैंने बता ही चुका है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें, अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत सारी संख्या होगी जिसका वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसका वर्गमूल निकल जाएगा। यदि अगर पूर्ण वर्ग है तो उसका पूर्ण एक वर्गमूल आ जाएगा, बल्कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो उसका वर्गमूल तो नहीं आएगा, बल्कि जो इसका जो पेयर होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, रूट से बाहर आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो रूट 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 × 2। सिंपली तो पता है कि 4 का गुणनखंड 2 × 2 होता है। क्या होता है कि इसके अंदर में रूट की संख्या के अंदर में कोशिश ये करना है कि हमें जोड़ा के रूप में लाना है, स्क्वायर के रूप में लाना है। इसलिए कि अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, रूट मतलब 1/2, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो कैंसिल आउट होने का अर्थ ये होगा कि जब कभी भी स्क्वायर में जोड़ा में हो तो उसको रूट से बाहर आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल आ गया 2, क्योंकि 2 का पावर 2 और उसमें रूट भी लगा हुआ है, तो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ बड़ा नंबर ले देते हैं, जैसे हमने ले लिया 36। 36 का वर्गमूल 6 होता है। जब 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 2 × 2 × 3 × 3। 36 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, यहाँ कोशिश करना है कि रूट के अंदर में जोड़ा बनाना है, तो 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2 क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 जोड़ा में है, मतलब पेयर में है तो बाहर आया, 3 भी पेयर में वो भी बाहर आया, हो गया 6। 36 का वर्गमूल हो गया आपका क्या 6। इस तरह से आप निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड द्वारा। कुछ और सवाल ले लेते हैं, 144। चलो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, है ना। वैसे क्या होता है इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 9, ये हो गया 36, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 3 × 9। 144 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। इस तरह से क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 गुने में क्या 3 × 3, यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर से 2 का स्क्वायर, और यहाँ 3 का पावर 2 3 का स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है ना, तो दो बचा और तीन बचा, मतलब जो स्क्वायर में होगा जोड़ा में होगा उसको रूट से बाहर करेंगे, इसलिए क्योंकि वो स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तीनों का अलग अलग स्क्वायर रूट कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, या दो का पावर दो, दो का पावर दो, तीन का पावर दो, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो का पावर दो गुने दो रूट अंडर दो का पावर दो गुने तीन का पावर दो, मतलब तीनों को हम रूट से अलग अलग कर दिया, क्योंकि गुना में है तो ऐसा किया जा सकता है, प्लस माइनस में हो तो फिर ऐसा नहीं कर सकते, गुना में इसलिए हमने अलग अलग रूट में डाल दिया। इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, तीनों का तीनों बाहर आया ना, हो गया दो दूना चार, चार दिया बारह, आंसर हो गया आपका 144 का वर्गमूल क्या होता है, बारह। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 576 ले लिया, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 576 दो से लगाया, दो से लगाया, ये हो गया आपका 576 का अभाज्य गुणनखंड, जिसमें दो गुने दो गुने दो गुने दो, दो कितनी बार है आपका, छः बार, और फिर तीन है, ठीक है। ये दो स्क्वायर में जोड़ा में है, बाहर आए रूट होगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, स्क्वायर से रूट कैंसिल सब में हो गया, दो गुने दो गुने दो गुने तीन, दो दुना चार दुना आठ, आठ त्रिक 24, ये हो गया आपका आंसर, 576 का वर्गमूल हो गया 24, वैसे होता ही है 576 का वर्गमूल 24, और 24 का वर्ग क्या होगा, 576 होगा। ऐसा नहीं कि कोई जरूरी नहीं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग हो उसी का निकाल सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसको भी निकालते हैं। चलो देखो, हमने लिए एग्जांपल में 48, ठीक है, इस साइड वाले को इरेज कर दिया हमने, और हमने 48 का एग्जांपल लेके हम उसका वर्गमूल निकालते हैं, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है ना, 24 दुगुने दो 48, 24 का हो गया 8 त्रिक 24, ये हो गया 8 त्रिक 24 दुना 48, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, 24 का मतलब 12 चौका 48, तो 12 यहाँ से बन जाएगा, दो दुना चार तीन 12, और चौका 4 यहाँ बन जाएगा, अब हाल गुणनखंड आप मन भी निकाल सकते हो, इसका जोड़ा बना, इसका भी जोड़ा बना, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना, तो रूट से बाहर वही आएगा जिसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, जो पावर में हो, जिसका पावर दो हो, पेयर में हो, जोड़ा में हो, वो बाहर आया, ये भी बाहर आया, लेकिन तीन रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, दो दुना चार रूट तीन, आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। चलो एक और सवाल ले लिया हमने, 1000 ले लिया, इसका निकालना है वर्गमूल क्या होगा। देखो पहले क्या होगा कि हम अगर इसको चाहे तो मन में ही इसको गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड, या आपको ऐसे करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है तो कर सकते हो। मन में करने के लिए क्या होगा, 10 गुने 10 गुने 10 करना है, 10 दही 100, 100 दही 1000, तो एक 10 का वर्गमूल क्या होगा, 2 गुने 5, अगले वाले का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5, अगले वाले 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5, इस तरह से 2 का पावर क्या हो गया आपका, 2, हमें जोड़ा बनाना है, 5 का पावर क्या हो गया, 2, ये 5 इसके साथ जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का तो जोड़ा नहीं बना है ना, इस 5 का भी जोड़ा नहीं बना है, जिसका जोड़ा बना है वो अंदर है, उसको मैंने पावर में लिखा, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको ऐसे लिखा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बाहर 5 भी बाहर, और 2 और 5 अंदर रहेगा, ठीक है, हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 5 दुना 10, आपका आंसर आ गया 10√10, 1000 का वर्गमूल क्या हो गया, 10√10 हो गया।
इस तरह से बाकी संख्याओं को भी हम निकाल सकते हैं, जितनी भी संख्या है चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, सभी संख्या को आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, है ना। जिसका जोड़ा होगा, जिसका पेयर होगा, वो रूट से बाहर आएगा, बल्कि जिसका जोड़ा नहीं होगा वो रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से होगा, पेयर वाली संख्या को हम रूट के अंदर ही रख सकते हैं, जो जोड़ा स्क्वायर में उसको रूट से बाहर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास जब हम शुरू करेंगे उसमें ये सीखेंगे कि लंबी विभाजन द्वारा किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, है ना, वो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।